आज हम मैदे के तीसरी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको फ्लैटुलेंस भी कहते हैं, तबखीरे मादा, जिसे आम जुबान में अफारा के नाम से भी जाना जाता है। पेट में हवा भरी रहना बीमारी नहीं बल्कि मुतअद्दिद दूसरी बीमारियों की अहम अलामत है, जैसा कि हवा निगलने की आदत, सोडा वाटर की बोतलें पीना, जल्द खाना ठीक से चबाए बगैर खाना, कसरत से पान खाना, तंबाकू और नसवार खाना, ज़्यादा मिर्चों और मसालों वाली ग़ज़ाएँ, मिठाइयों की कसरत, ज़हनी असबाब में तफक्कुलात, सदमात और हर वक्त जलते कुड़ते रहना इसके अहम असबाब हैं। हवा निगलने से मुराद डकार मारना है। मुंह में कसरत से थूक आना, पित्त की सोजिश, मुंह के रास्ते सांस लेने की आदत, ऐसी अदविया का इस्तेमाल जो आंतों की हरकत को कम करती है। इन बीमारियों और हालात के अलावा अंतड़ियों में खुराक के ज़्यादा देर क़याम का बाइस बनने वाली चीज़ें या गजाई चिकनाइयाँ की कसरत और ठीक से चबाए या पकाए बगैर नशास्तादार गजाओं, शकरकंदी, खीर, चावल का इस्तेमाल, पुरानी कब्ज, असहाल, पुरानी पेचस, जलाब की दवाओं का अक्सर इस्तेमाल, पेट में गज़ा को हज़म करने वाले खामरों की कमी, आंतों में सरान पैदा करने वाले जरासीम की मौजूदगी, जरासीम कश अदविया का बार बार इस्तेमाल पेट में हवा भरने का बाइस बन सकता है, जिसे अफारा कहते हैं। पेट में हवा रहने की शिकायत करने वाले हजरात ये बीमारी बद इतदाली से हासिल करते हैं। वो अपने पेट में वक्फा दिए बगैर इतना कुछ डाल लेते हैं कि इसे हज़म करने के लिए एक मक़ूल अरसा दरकार होता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा पैदा पेट में ज़्यादा देर रहती और इसमें सरान पैदा हो जाती है। पेट में तेज़ाबियत अगर ज़्यादा हो तो तब भी हवा बढ़ जाती है, जैसे कि तफक्कुरात और मैदे का ज़ख़म या कसरत से अचार, लीमू और मसाले खाना, इनमें तबखीर के साथ साथ जलन भी होती है। दूसरे वो हैं जिनके पेट में तेजाब ज़रूरत से कम होते हैं। अंदाज़ा लगाया गया है कि दुनिया की आबादी का 5% ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनके पेट में तेजाब बिल्कुल नहीं होता। ज़िंदा तो वो भी रहते हैं मगर तकलीफ़ के साथ, क्योंकि खुराक हज़म करने का पहला मरहला ही इनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए इनकी ग़िज़ा इतदाल से ज़्यादा अरसा पेट में रहती और सरान से तबखीर पैदा होती रहती है। अफारे की तशख़ीस कैसे हो? आम हालात में ऐसे मरीज़ों के लिए किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। चंद दिन के इलाज के बाद सूरत हाल वाजिया हो जाती है। मरीज़ को अगर फ़ायदा हो रहा है तो इजाफी खर्चात की ज़रूरत नहीं। अगर फ़ायदा ना हो या वक्ती आराम हो तो ऐसी सूरत में मैदा और आंतों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए टेस्ट कराए जा सकते हैं। इसका इलाज कैसे हो? दवा के इंतखाब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मसला तेजाबियत की कमी का है या ज़्यादती का है, लेकिन अमली तौर पर किसी मौलिज को इस मुसीबत में पड़ते देखा नहीं गया। यूनानी अतबा का सराहरिया अदविया देते थे और डॉक्टर तेजाब को कम करने वाली। हैरत की बात यह है कि दोनों के मरीज़ अक्सर फ़ायदा पाते थे। तिब्बे जदीद में पेट से हवा निकालने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं। ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं जो सालों से ये दवाएँ खा रहे हैं और इनका कहना है कि जब मैं ये इस दवा की दो गोलियां चबाता हूं तो जलन चली जाती है और पेट हल्का हो जाता है, जिसे हम अपने मुल्क में हाजमूला का नाम भी देते हैं। तबखीर का हर मरीज़ इख्तलाज, दहशत और घबराहट का शिकार होता है। कुछ तो ऐसे हैं कि दर्जनों मरतबा दिल का मुआयना करवा चुके हैं। ग़िज़ा हज़म ना होने की वजह से जिस्म में कमज़ोरी और दर्दें इनके लिए मुसीबत का मुस्तकिल बाइस बन जाती हैं। ग़िज़ा अगर एक दिन हज़म ना हो तो ऐसे लगता है जैसे हाथों और पाँव में बिल्कुल जान नहीं है और इंसान बिल्कुल नहीं चल सकता। और अक्सर लोगों को तो ये भी शक पड़ जाता है कि उनके गुर्दों में दर्द की शिकायत हो गई है। इस कैफियत का हल डॉक्टरों ने यह किया कि इन मरीज़ों को वो जी भर कर ख्वाब आवर अदवियाँ देते रहे, लिप्रेक्स जिसे कहते थे, वरना सुकून आवर अदविया के नाम से मिलने वाली तमाम दवाएँ इनका मकदूर रहती हैं। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि जिस्मानी एहसासात को कुंद करने वाली ये दवाइयाँ मरीज़ों को बड़ी पसंद आती हैं। ये अलहदा बात है कि कुछ अर्सा के इस्तेमाल के बाद जब इनका गोली खाए बगैर गुजारा नहीं होता या इनके बगैर नींद नहीं आती और जिसम थका थका सा रहने लगता है तो एहसास होता है कि वो खुद फरेबी के किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यूनानी तरीका इलाज में जवारिश, कम्यूनी, सौंफ और जवाइन के अर्क आम तौर पर मुफीद और बेज़र हैं। जवारिश बड़ी उमदा और मुफीद दवाई है, लेकिन जिनके पेट में तेजाब पहले से ज़्यादा हो इनको इससे तकलीफ़ हो सकती है। हिचकी के लिए इससे बेहतर कोई दवाई देखी नहीं गई। डॉक्टर ग़िज़ा को हज़म करने वाले जोहर दे देते हैं जिनसे इब्तिदा में फ़ायदा होता है,
बाज़ इदारों ने तमाम जौहर तर्क करके पपीते का जौहर निकाल कर इसका सियाल तैयार किया और ये वाकई ही मुफीद है। उसको पेपाइन के नाम से मिलने वाला ये जौहर अक्सर शरबतों जैसे कि पेपाइन सिरप का जुज़ आमिल होता है, लेकिन ऐसे इलाज का क्या फ़ायदा। जिस रोज़ भी बंद करें अगले दिन पहले से ज़्यादा तकलीफ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अदवियां का जिक्र फरमाया है इन में से हर एक उस बीमारी में मुफीद है। जुलाब के जिक्र में उन्होंने सना के साथ जिस सनूत का जिक्र फरमाया है इसे मुहद्दिसीन ने सोया करार दिया है। सोया पेट से हवा निकालने में इस हद तक मुफीद है कि इंग्लिस्तान की एक कंपनी 150 साल से ग्राइप वाटर के नाम से बच्चों के पेट से हवा निकालने वाली दवाई की कमाई खाई जा रही है, जिसको दुनिया की हर माँ पसंद करती है। ग्राइप वाटर सोडा बाइकार्ब, सोए का तेल, थोड़ी सी अल्कोहल और ग्लूकोज का मुरक्कब है। ये आसान सा नुस्खा किसी भी डिस्पेंसरी से तैयार हो सकता है या सोए का अर्क निकाल कर अगर दिया जाए तो ज़्यादा मुफीद और काबिल एतमाद होगा, बल्कि पाकिस्तानी दवाई हम दर्द की नौनिहाल इससे ज़्यादा मुफीद है। सुबह उठकर या असर के वक्त खाली पेट शहद पीने से पेट की जलन कम होती और हवा निकल जाती है। खाने के बाद 3 दाने खुश्क या ताज़ा अंजीर खाने से खाना हजम हो जाता है और हवा निकल जाती है। रात सोते वक्त 1 या 2 बड़े चमचे जैतून का तेल आंतों की जलन दूर करने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। अगर आप कलवंजी और सोए को 50 और 2 ग्राम बिलतरतीब पीस कर शहद में मिलाकर माजून की सूरत में तजवीज़ करें तो ये आपके पेट में तबखीर को बहुत अफाका देगी। तो ये था नाज़रीन इसका इलाज। उम्मीद है आपको इसके इलाज अपनाने से फ़ायदा होगा। आइंदा आने के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।